ये हम चीज बना रहे हैं, ये कितना दूध है? 1 लीटर, 1 लीटर दूध है, ये 1 लीटर दूध है, और इसमें कितना सिरका डाला है? 3 चम्मच, इसमें 3 चम्मच, ये वाला चम्मच, नहीं ये चम्मच हम आपको अभी दिखाते हैं, ये वाले 3 चम्मच हमने सिरके के डाल दिए 1 लीटर दूध में। और इसके नीचे हल्का सा चूल्हा जल रहा था पहले, अब बंद कर दिया, हल्का सा चल रहा था ये, हल्का सा बिल्कुल गर्म था। और ये हमने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मेरे आने से पहले मामा बना चुकी थी। और अब हम पानी गर्म कर रहे हैं, हम पानी क्यों गर्म कर रहे हैं यहाँ पे? ठीक चीज जब उसमें से दूध फट जाएगा फिर वो निकाल के इसमें डालेंगे। है, ये जब चीज में इसमें दूध फट जाएगा, अभी हमने चूल्हा बंद कर दिया है और सिरका डला हुआ है, तो अब देखते हैं कि इसमें वो कर्डल हो जाएगा, इसमें इकट्ठा हो जाएगा। ज़रा चमचा हिला के देखते हैं, उसके बाद फिर पानी में प्रोसेस करेंगे। अभी कर्डल होना शुरू नहीं हुआ, थोड़े थोड़े कर्ड्स बनने शुरू हो गए, ये पीस यहाँ पे तैर रहा है, ये यहाँ पे ये कर्डल होना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। अभी इसमें कितना इंतज़ार करना है हमने? अब इसको इसको 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसी तरह। ठीक है, 5-7 मिनट बाद हम देखेंगे इसको, अभी हमने ढक के रख दिया। ये पानी में से धुआं निकलना शुरू हो गया है, इस पानी में हमने क्या करना है? यहाँ से जब चीज़ बन जाएगी तो फिर उसमें डालनी है, अभी प्रोसेस होता है तो दिखाते हैं फिर। ठीक है, इसमें अभी ये चीज़ बनेगी जो अभी भी बन रही है, अभी 5 से 7 मिनट्स लगेंगे इसको, उसके बाद देखते हैं कि कितना कर्डल होता है और कितनी चीज़ बनती है। और ये हम पहली दफ़ा बना रहे हैं तो हमें नहीं पता, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, हम सिर्फ शेयर कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है पहली दफ़ा चीज़ बनाने में। ये चूल्हा दोबारा जला दिया क्योंकि हमें लग रहा था कि दूध थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया, तो हल्का सा इतना सा चूल्हा दोबारा जला दिया ताकि दूध इतना सा हो कि आपकी हल्की सी उंगली जले। बेसिकली ये तरीका है इसको टेम्परेचर मेजर करने का। ये हम थोड़ा सा और सिरका डालने लगे हैं क्योंकि हमारी चीज़ नहीं बन रही और हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्यों नहीं बन रही, तो थोड़ा सा और सिरका डाल के देखने लगे हैं कि चीज़ बनती है कि नहीं। यहाँ पे पानी गर्म हुए जा रहा है, गर्म होके उड़ी जा रहा है सारा, एवेपोरेट होके। चमचे के साथ चिपकना शुरू हो गया है, थोड़ी सी बन रही है लेकिन सही नहीं बन रही। अभी इसमें थोड़े से ऊपर ही आने शुरू हो गए हैं कर्ड्स बन के, तो लगता है कि कोई कुछ ना कुछ चीज़ बन ही जाएगी आज। ये थोड़ा बनना शुरू हो गया है, ये सही बन रहा है, ऐसे ही बनना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। ये हमने वीडियोस में ही देखा, हमने कभी बनाया नहीं इसलिए हमें सही नहीं पता था, वो देखेंगे कि क्या होता है। बस अब ये हो, प्रोसेस इसका शुरू हो गया, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रखते हैं अब हम इसको फिर से ढक के रख देंगे क्योंकि पहले हमने सिरका कम डाला था, शायद इसलिए नहीं हो रहा था, अब सिरका और डाला है। हमें कुछ पता नहीं, ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है बस, अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा नमक एक्सपेरिमेंट भी कितना डालेंगे। सक्सेसफुल होता है। अच्छा, इस पानी में अब हम नमक डालने लगे हैं क्योंकि चीज़ को हमने थोड़ा सा सॉल्टी टेस्ट देना है। ये चीज़ डिपेंड करता है कि आपने कहाँ इस्तेमाल करनी है, अगर आप नमक नहीं डालेंगे, अगर आपने किसी मीठी चीज़ में डालनी है नमक से, हम नमक डाल रहे हैं, हम थोड़ी सी सॉल्टी चीज़ बनाएंगे। और आंधी आई हुई है इसलिए दरवाजे बज रहे हैं, और हम ये थोड़ी सॉल्टी चीज़ बना रहे हैं इसलिए हमें थोड़ा सा नमक डाल दिया इसमें, हम चीज़ उसके बाद पकाएंगे, मुझे नहीं पता कैसे पकाएंगे, मामा को पता है, अभी हम इसमें डालेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन अगर आपने केक में डालनी है तो नमक डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है केक में तो आपने मीठा केक बनाना है, नमकीन केक बनाना है तो डाल सकते हैं। ये हमने डो भी बना के रखी हुई है, इसका भी प्रोसेस रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि जब मामा ने बनाई तो मैं सोई हुई थी, तो ये आज डो हमारा मामा ने पिज़्ज़ा सुबह बनाने का प्रोग्राम है। सुबह सुबह मामा ने डो बना लिया ताकि हम शाम को पिज़्ज़ा बनाएं क्योंकि सर्दी आ गई है अब, और पिज़्ज़ा बनाने का मज़ा आएगा और खाने का भी मज़ा आएगा, तो शाम को पिज़्ज़ा बनाने का प्लान है डिनर के लिए, तो डो सुबह सुबह बना लिए। इसमें क्या क्या डाला है आपने? मैदा डाला है और ईस्ट डाली है और नमक डाला है, नमक डाला है, चीनी डाली है, ड्राई चीनी भी पाउडर डाली, डाला है, ड्राई पाउडर किस चीज़ का? ये खुश्क दूध, अच्छा मिल्क पाउडर दूध में डाला नहीं है, गूंदे ना, पानी में गूंदा है, ठीक है, इसलिए ड्राई पाउडर डाल दिया था। मिल्क का मिल्क पाउडर जो होता है वो डाला हुआ है थोड़ा सा। अब हम दोबारा चीज़ की तरफ आ गए हैं, तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं हमने जब ढक्कन रखा था, तो देखते हैं क्या हो रहा है, वैसा ही लग रहा है मुझे अभी भी, है ना, कुछ खास अभी नहीं बना एज सच, दूध ही है इसमें ज़्यादा, क्यों नहीं बन रही चीज़? हो जाएगी, अब इसको टाइम देते हैं थोड़ा सा। अरे थोड़ा और टाइम दे के देखते हैं क्या होता है,
वरना जितनी बनी है उतनी पका लेंगे। चूल्हा हमने दोबारा जला दिया क्योंकि हमें लग रहा था कि दूध ठंडा हो रहा है, बार बार सर्दी आ गई है तो अब दूध बार बार ठंडा हो जाता है जल्दी से। देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब हमने ये कंक्लूड किया है कि इतने से दूध में से एक लीटर में से इतना ही लीटर में से इतनी ही चीज निकलेगी, और चीज नहीं बनेगी। फिर भी हम एहतियातन इसको हम थोड़ी देर और वेट करेंगे, बस रख देते हैं। कितनी देर हम और वेट करेंगे? अभी 10 मिनट और देख लेते हैं। 10 मिनट तो बहुत ज्यादा नहीं है। फिर पड़ा है ना पानी, वो हो जाएगा ना। चलिए हम थोड़ी देर और वेट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कितनी देर और वेट किया, और अगर ना बनी तो हम इसी से गुजारा करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम देखने लगे हैं कि क्या प्रोग्रेस है इसकी। ये वही चंक है मेरे ख्याल में जो पहले भी बना हुआ था। थोड़ा सा और बना है। ओके, थोड़ा सा और हो गया। दूध पतला हुआ है, दूध और पानी सेपरेट होना चाहिए। तो अगर दूध अभी भी उसी तरह गाढ़ा सा है तो इसका मतलब अभी चीज़ बनेगी, राइट? बस ये है कि कम बनी है थोड़ी हमारे हिसाब से, लेकिन अगेन हम पहली दफ़ा बना रहे हैं तो हमें सही आइडिया भी नहीं है। तो अब हम निकालने लगे हैं इसको, और हमने जो पानी अलग से वहाँ उबाल के रखा है उसमें डालने लगे हैं। सबसे पहले हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे स्ट्रेनर में हल्का सा। यहीं पे हमने इसको स्ट्रेन कर लिया, इसका पानी और दूध जो भी इसमें था वो निकाल रहे हैं। बस ये एक ही चंक है जो कर्डल हुआ हुआ है थोड़ा सा, राइट? बस और कुछ भी नहीं है उसमें, बस यही बना है। देखते हैं इसका क्या बनता है। अब इसको चमचे से ही दबा के तो इसमें इसका पानी इसका निकाल दिया। पानी हमने निकाल लिया है, पानी निकालने का और छोटा हो गया, छोटा सा पेड़ा सा बना। इसके दूध में से और निकलनी चाहिए अभी, इतनी ये कम है। ये छोटा सा पेड़ा बना है इतने से, इतने सारे एक लीटर में से, एक लीटर दूध में से ये छोटा सा पेड़ा बना है। और अब हम इसको कुछ करने लगे, इसको गर्म पानी में हमने डाल दिया। अब ये क्या होगा, पिघल जाएगा इसमें? नहीं, ऐसे ही रहेगा। जरा इसका इसका क्या मकसद है गर्म पानी में डालने का इसको? इसका इसमें जो सिरका है ना और नमक वाला पानी चल गया, सिरके से इसमें खटास है ना, वो खटास खत्म हो जाएगी। तो गर्म पानी और नमक वाले पानी में इसलिए डाला है। अच्छा भाई, ये कोई साइंस है चीज़ बनाने की जो मुझे समझ नहीं आई। बहरहाल ये हम इसलिए कर रहे हैं जो मामा ने बताया। और उसके बाद हम इसको कितनी देर रखना है इस गर्म पानी में? वैसे ही 2-3 मिनट के बाद इसको, फिर बस इसमें से इसका निकालते रहना है। 2-3 मिनट के लिए किया है, और बाकी हमने दूध का चूल्हा फिर से चला दिया क्योंकि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि थोड़ी सी चीज़ बनी है तो हम और चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। जब तक हम ये तो हमने निकाल लिया है, इसका प्रोसेस करते हैं शुरू। चाहिए अब इसको साथ साथ पानी हाथ से निकालना है। क्यों निकालना है? सिरका निकल रहा है इसमें से, उसी खटास निकल रही है, खटास जो इसमें, क्योंकि सिरका खट्टा है जाहिर है, उसमें उसका थोड़ा सा टेस्ट फ्लेवर सा आ जाएगा, तो उसके लिए हम कर रहे हैं। दूध सा है ना, ये निकाल देते हैं। देखो जैसे जैसे वो निकलता जा रहा है ना, ये फॉर्म होती जा रही है, सॉलिड बनता जा रहा है। देखें इसको 3 दफ़ा ऐसे करना है, इसका पड़ा रहे तो 2 मिनट ताकि इसका सिरके वाला इसका पानी जो उनसे ना वो अच्छी तरह निकल जाए इसका। ये देखो चीज़ का ये तो आ रहा है। अच्छा हाँ, ये मैं बताना भूल गई कि हम मोत्रेला चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें तार होती है, तो उसमें तार बनाने के लिए इसको खींचना भी पड़ता है। अगर आप इटालियन जो प्रॉपर चीज़ फैक्ट्रीज हैं उसकी वीडियोस देखें तो उसमें वो प्रॉपर उनके पास एक चम्मच होता है जिससे वो खींच के तार बनाते हैं चीज़ की, और हमारे पास हाथ है तो हम हाथों से तार बना रहे हैं। कुछ ना कुछ कर ही लेंगे हम। तीसरी दफ़ा इस तरह करने लगे हैं। ये तीसरी दफ़ा हम करके पानी निकाल के इसको, ये थोड़ा सा फर्म होना शुरू हो गया है पेड़ा, तो बना है, बन रही है इसमें। हम इसको खींच के, अगर नहीं भी बन रही तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बन जाए बस तार इसमें, कि हमने इसमें इस्तेमाल इसको करना है। हमने इसको पिज्ज़ा में डालना है जिसकी डो आपको भी दिखाई थी, तो इसलिए हम, हमारी पूरी कोशिश है किसी न किसी तरह बन जाए। ये हो रहा है, देखो इसमें ये आ रहा है। हम थोड़े डिल्यूजनल भी हैं, अगर नहीं भी आ रहा तो हमें बस नज़र आ रहा है कि तार बन रही है। अच्छा अच्छा, यहाँ ये है कि हमने चूल्हा चला दिया था, तेज़ कर दिया ज़रा, क्योंकि हमें था कि हम और चीज़ बनाएं, ये दूध में से हम दूध ज़ाया ना करें इतना सारा। तो इसमें थोड़ी सी चीज़ बननी शुरू हो गई है। मैं चम्मच थोड़ा सा हिला के दिखाती हूँ
कि ये दोबारा से अब सही कर्डर हुआ। अब ये दूध जो है ना बिल्कुल पानी अलग हो गया। तो अगर आप पहली दफ़ा चीज़ बना रहे हैं तो आई थिंक चूल्हा थोड़ा तेज़ रखने वाला काम सही है, क्योंकि हमने पहले चूल्हा बहुत आहिस्ता रखा हुआ था और बीच में हम बंद भी कर देते थे तो सही नहीं बन रही थी। और अब सही नज़र आ रहा है कि ये पानी अलग हो गया है, तो अब सही ये बटर मिल्क जो होता है ना पानी का वो बन गया है और चीज़ अलग बन गई। अच्छा ये पहला वाला पेड़ा है, ये बस उसी वक्त जो हमने उसको निचोड़ के अच्छी तरह पानी से हमने इसको प्लास्टिक के बैग में डाल दिया। हाँ। इसको क्यों प्लास्टिक के बैग में डाला हमने? ये ताकि ऊपर से ड्राई ना हो। अच्छा, हम इसको फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रख देंगे इसी तरह। ये हमारे काउंटर्स को एक्सक्यूज करें, थोड़ा सा मसाला गिर गया था। अच्छा ये, अच्छा ये वाला पानी अब हम बदलेंगे। अब अच्छी खासी चीज़ बन गई है वैसे। अब आई थिंक दूध, ये पानी, ये दूध जो है ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत थी हमें। हम गर्म सही नहीं कर रहे थे, ज़्यादा नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अलग नहीं हो रहा था। अब सही नज़र आ रहा है कि पानी अलग हो गया, अब सही बनी है। और ये जो पानी होता है ये बटर मिल्क होता है जहाँ तक मुझे पता है, और ये केक्स में जो रेसिपी होती है ना, केक की रेसिपी, उसमें अक्सर जगह बटर मिल्क लिखा होता है तो उसमें ये यूज़ होता है। मुझे सही नहीं पता वैसे, आप जो भी मुझसे सुन रहे हैं एक दफ़ा गूगल करके तो कन्फर्म ज़रूर कर लें। बस आई थिंक बन गया। अब हम इसको स्ट्रेन कर लें। अब हम इसको भी उसी तरह स्ट्रेन करने लगे हैं और वही प्रोसेस करेंगे, वही दोबारा से इसमें बनाएंगे। इस पानी को हमने चेंज करना है, मैं पूछ रही थी। नहीं नहीं, इसको ज़रूरत नहीं है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, हम इसी में बना लेंगे। अब बार बार कौन धोएगा? बाकी बच गया था उसमें से, अब हम स्ट्रेन कर रहे हैं इसको। ये शायद इस स्ट्रेनर में पूरा भी ना आए क्योंकि काफ़ी चीज़ बन गई है इसमें इस दफ़ा। और नीचे जो पानी है, अगेन आई सेड कि ये बटर मिल्क होता है, तो अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो रख लें और यूज़ कर लें, लेकिन एक दफ़ा गूगल ज़रूर कर लें कन्फर्म करने के लिए कि यही बटर मिल्क होता है कि नहीं। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे पता है, ये बटर मिल्क होता है। अच्छा ये चीज़ हम साथ साथ स्ट्रेन कर रहे हैं, और अभी भी इस पैन में, सॉस पैन में काफ़ी सारी पड़ी हुई है। आई थिंक हमें बड़ा स्ट्रेनर चाहिए होगा। अच्छा अब हम ये जो आटा छानने वाला स्ट्रेनर होता है ना, उसमें हम ये स्ट्रेन करने लगे, क्योंकि वो जो स्ट्रेनर था वो बहुत छोटा था। ओ ये बहुत गर्म है, कपड़ा दूँ? अच्छा ये बहुत गर्म है, इसको एहतियात से डालें और पकड़ें। ये क्योंकि स्टील का है तो ये गर्म भी, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इसको रख दें, अंदर रख दें, इसको साइड से ना पकड़ें। इसको हम जल्दी जल्दी स्ट्रेन कर रहे हैं क्योंकि ये गर्म है ज़रा, हमें ख्याल नहीं रहा इस बात का। तो अगर आप इसमें करें स्ट्रेन तो ख्याल रखें कि गर्म होता है, ग्लव्स पहन लें या किसी कपड़े से इसको पकड़ लें। पहले चूल्हा तेज कर लेते हैं। ये अब काफ़ी अच्छी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ निकल आई है। हमने दूध ज़ाया नहीं होने दिया, हमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि इतना दूध ज़ाया हो रहा है। हमारा नहीं कहना ना, कुछ बर्दाश्त नहीं करती कि कोई चीज़ ज़ाया हो। अच्छा इसमें अभी सॉस पैन में अभी भी ये चीज़ लगी हुई है, ये भी हम स्क्रेप कर लेंगे और इसमें डाल लेंगे। ये काफ़ी बड़ा सा पेड़ा बन जाएगा इसका। थोड़ा सा पानी निकालने के बाद ये थोड़ा और ज़ाहिर है छोटा हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा है। उसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अच्छा पहले वाले से भी ज़्यादा ये हो, काफ़ी ज़्यादा है ये। ये देखें जी, सेकंड टाइम हमने इतनी चीज़ निकाल ली है। अब चाहे चीज़ बनाएं इसको, चाहे क्रीम चीज़ बनाएं। अब हम इसको उसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी गर्म हो जाए। हो गया, अब हम इसको उसी तरह जिस तरह हमने पिछले वाले पेड़े के साथ किया था, थोड़ा सा इसको दो तीन दफ़ा इसमें फ्लिप करेंगे और फिर इसको हाथ से दबा के इसका पानी निकाल लेंगे और फिर इसको प्लास्टिक के बैग में रख लेंगे और फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में कितनी देर के लिए रखना है हमने? बस दो तीन घंटे रखिए, ज़रा ये थोड़ा सा सॉलिड हो जाएगी। अभी ज़रा सॉफ्ट बहुत है ना, अगर आप इसको ग्रेट करेंगे तो होगी नहीं, थोड़ी सी। हाँ हमने ग्रेट करके इसको पिज्जे पे डालना है, तो इसलिए अभी हम इसको बस इसको हल्का सा इसको इस तरह पानी में करना है। काले टूटनी भी थोड़ी शुरू हो गई है, तो उसके लिए भी ज़रा बन गई है ये। बस ये सेकंड टाइम बस इसमें से इतना सा निकला है, इसको भी अब हम इस प्लास्टिक बैग में डाल के तो तीन चार घंटे। ये काफ़ी सॉफ्ट है, ये पहले वाले की तरह उसका हार्ड नहीं हुआ, लेकिन देखते हैं हम इसको कि इस्तेमाल में कैसा रहता है। अभी हम इसको रैप करके अच्छी तरह तो फ्रिज में रख देंगे। जब फ्रिज में रखेंगे, फिर फ्रीजर में तो नहीं रखना था, फ्रीजर में रख दें, फ्रिज में रख दें, हार्ड जितनी जल्दी आपने इस्तेमाल। अच्छा इसको हमने सख्त करने के लिए करना ताकि हम इसको ग्रेट करें बाद में। काफ़ी सॉफ्ट है, देखें इसके अंदर अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो बिल्कुल उंगली अंदर चली जाती है। पहले बना था वो हम फ्रिज में रख चुके हैं, इसको हम फ्रिज में रख देंगे कुछ घंटों के लिए।
और बाकी यहाँ पे ये था जो ये तो आपने ड्रेन कर देना, इसकी तो ज़रूरत नहीं है। बाकी ये कि हम इसको पिज़्ज़ा में यूज़ करेंगे, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो पिज़्ज़ा वाली वीडियो मैं कल या परसों अपलोड करूँगी, शाम को बनाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।